क्या बोले खगड़िया 8 किलोमीटर ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री भारत सरकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं माननीय जनरल डॉक्टर डीके सिंह सेवानिवृत्त सड़क परिवहन एवं राजमार्ग एवं नागरिक निवारण राज्य मंत्री भारत सरकार आप सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम बहुत स्वागत मंच पर बैठे हैं माननीय श्री नितिन रवि जी, पथ निर्माण विभाग के माननीय मंत्री हैं, माननीय श्री सरदार चौधरी जी, पंचायती राज विभाग के माननीय मंत्री थे। आज जो आप जान रहे हैं कि आज जो मुंगेर गंगा रेल सड़क पहुंच पथ निर्माण योजना का जो लोकार्पण किया जा रहा, आज जो उद्घाटन हो गया, इस योजना में उपस्थित जो यहां हैं उन सब लोगों को और जो भी इससे जुड़े हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, सबका मैं पुनः अभिनंदन करता हूं। और ये कितनी खुशी की बात है, सब लोगों ने इस बात की चर्चा कर दी और ये तो बड़ी खुशी की बात है कि जो अपने राज्य के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे श्रद्धेय श्री कृष्ण बाबू, इसलिए इस सेतु का नामकरण श्री कृष्ण सेतु रखा गया। और जब आज कई लोगों ने इस बात की चर्चा की, मुझे बड़ी खुशी हुई कि तत्कालीन श्रद्धेय प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका शिलान्यास किया था, आप सब जानते हैं 26 जनवरी 2002 को। और आप में से बहुत लोगों को याद होगा, उसके पहले तो हम आते ही रहते थे, लेकिन एक दिन पहले 25 तारीख को हम यहाँ पर आए थे और यहाँ पर सब लोगों को कहा था कि देखिए कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और सब लोगों की इच्छा थी, बड़ी खुशी हुई थी यहाँ पर जो पुल बन जाएगा, रेल बनने का तो काम उसके लिए बहुत पहले से इस बात की लोगों की मांग थी, उस समय तो हम रेल मंत्री भी थे, तो पूरा का पूरा काम तो हम लोगों ने करवा ही दिया था, वो तो हो ही गया। लेकिन उसके साथ साथ जो ये सड़क के लिए जो पुल बनाने का काम और ये सब जो तय हो गया था कि ये दोनों काम हो, तो उसी के लिए जो ये काम की शुरुआत करनी थी, तो जब निर्णय हो गया था और जब इसके लिए केंद्र सरकार ने पूरी अनुमति दे दी, तो श्रद्धेय अटल जी को ही ये अनुरोध हम लोगों ने किया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि इसका आप ही को शिलान्यास करना है, और उन्होंने ही इसके शिलान्यास करने का निर्णय लिया 25 तारीख को। तो कितनी खुशी लोगों में हो रही थी कि भाई कल इसकी शुरुआत हो जाएगी, लोग कितना प्रसन्न थे कि किस तरह से इनका रिश्ता यहाँ पर इस तरफ से लेकर के उत्तर की तरफ से सब जिलों से, और जो बताइए तो जो ये कमिश्नरी है और इसके दो दो जिले उधर और ये सब के साथ इनको यहाँ पर से, तो
तो ये सड़क मार्ग से सब कुछ जा करके लोगों को कितना किस तरह से करना पड़ता है, मार्ग नहीं बना हुआ था, तो ये गंगा नदी से ही गुजर करके ये सब कुछ करना पड़ता था। तो उस समय लोगों को इतनी प्रसन्नता थी, लोगों की इच्छा थी, तो बड़ी खुशी हुई थी। तो हमने उसी समय कहा था कि भाई अगर आप लोगों की इच्छा हो तो अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए रात में अपने अपने घरों में दिया जलाइएगा, दीपक जलाइएगा और एक तरह से दीपावली मनाइएगा। लोगों ने उस रात में बताइए क्या हुआ था मुंगेर में 26 तारीख को, एक तरह से दीपक जला करके लोगों ने दिया ये मनाया था दीपावली। अब आज देखिए, अब इसका उद्घाटन हो गया, अब आज इसकी शुरुआत हो गई है। तो हम तो आप लोगों से आग्रह करेंगे कि जब इसकी स्वीकृति हुई थी, जब शिलान्यास हुआ था, तब आपने रात में दीपक जला करके एक तरह से दीपावली मनाया था। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आज अगर संभव हो, आज इसका उद्घाटन हो गया तो आज रात में भी दिया जला करके एक इसका अगर शुरू कर दीजिएगा तो बड़ी खुशी की बात होगी, ये मामूली बात नहीं है। और आज कितनी खुशी की बात है। और मैं तो सबसे पहले माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी को विशेष तौर पर मैं बधाई देता हूं। और आज उन्होंने पूरा विस्तार से न सिर्फ यहां के बारे में बल्कि बिहार भर की पूरी योजनाओं के बारे में और उसकी शुरुआत जो जहां काम हो रहा है, जिसको शुरू करने वाले हैं और आगे भी, जो इन्होंने हम लोगों के माननीय मंत्री नितिन नवीन जी को भी कहा कि आप आइएगा, ये तो जाहिर हैं और बराबर जा करके उनसे मांग कर रहे हैं, और उसी तरह से इनको फिर कहा कि फिर आकर के आप भी जो कोई जरूरी हो आकर के बताइए, हम जरूर उसको करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी आज आपने इन बातों की चर्चा की है, इसके लिए मैं माननीय नितिन गडकरी जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और जो कुछ भी काम आप कर रहे हैं ये बहुत प्रसन्नता की बात है, और जो भी करना चाहते हैं और आगे करेंगे इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और जिस तरह से बिहार में सरकार बनाया आप सब लोगों ने, हम लोगों को काम करने का मौका लिया 2005 से, और तब से हम लोगों ने जो विकास का काम करना शुरू किया, और उसी समय जितना सब कुछ काम शुरू किया और हम लोगों ने एक एक चीज़ का, चाहे शिक्षा का काम हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो, पढ़ाई के लिए काम, हर तरह का काम, और उसके चलते विकास के लिए काम, सड़कों के निर्माण का काम, और इतना काम हम लोगों ने जो शुरू करवाया, और उसके बाद जो इतनी सड़कें बनाई कि राजधानी पटना को पहुंचने का रख दिया कि 6 घंटे तक में पहुंच जाएं, और जब ये काम पूरा हुआ तब हम लोगों ने तय कर दिया है कि बिहार के कोने कोने से दूर जगह से भी चल करके लोग अगर राजधानी पटना पहुंचते हैं तो उनके लिए 5 घंटे का समय लगना चाहिए। तो इसके लिए भी सारा काम हो रहा है, और केंद्र सरकार की भी योजनाएं बहुत सारी चल रही हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। तो बहुत खुश है पुल बनने से, बहुत फायदा है हम लोग को। ये हुआ कि रोड से आने जाने में बहुत हो गया, हम लोग दिल्ली से आते बहुत मतलब परेशानी होती है आने में, इसलिए बहुत फायदा हो गया। मैं के हुआ यहीं पे सालीग्राम में, बिहार में आया हूँ दिल्ली से, और ये जो मुंगेर का पुल है मुझे देख के बहुत खुशी हुई है। कई सालों बाद इस मुंगेर का भाग्य जागा है, क्योंकि जो ये पुल की योजना थी 20 साल पहले आई थी, लेकिन इसमें कुछ कारणवश बाधाएं आ रही थी, और ये बाधाएं होते होते आज ये बाधाएं पार हो चुकी थी। जो इस पार के लोग हैं उनको बड़ी आसानी हो गई, क्योंकि पहले नाव के थ्रू पार करते थे, कई बार हादसे हो जाते थे, लेकिन उन हादसों से अब निजात पा जाएगा। और जल्दी मुंगेर का जो आने वाला है तो बहुत ही ग्रोइंग, मैंने कहते मुंगेर का एक सुनहरा अवसर है, भविष्य है, जिसमें आपका रोजगार भी होगा, कई चीजें हैं कि आने वाले समय में मुंगेर का नाम